उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं जता के प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री सुखदेव गोस्वामी कहते ब्रजदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम तत्रांसेन अवतीर्णस्य विष्णुर्विद्यानि संशय। क्या बताए बोले ब्रजदोश्च धर्मशीलस्य ब्रजदोश्च महाराज कौन थे बोले नितरां मुनिसत्तम मुनियों का धर्म श्रेष्ठ और ये धर्मशील। लेकिन साधारण दृष्टि से क्या दिखाई पड़ता है ये बड़े अधर्मी बने। बोले क्यों? क्योंकि पिताजी का आदेश का उन्होंने पालन नहीं किया। इसलिए हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जिनके प्रिय ना राम वैद्य ही तजिय कोटि बैर समझ्यपि परम सने। इसलिए जिनके प्रिय ना राम वैद्य ही जिनका प्रिय राम और सीता जिनका प्रिय नहीं है तजिय कोटि बैर समझ्यपि परम सने। यद्यपि हमारे परम स्नेह की वो पात्र है लेकिन उनको त्याग देनी चाहिए, उनको त्याग देनी चाहिए। इसलिए इसलिए बोले गुरु न सस्यात् स्वजननी न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैव न तत्सन्नपति सस्यात्। इसलिए कहते वो पिता पिता नहीं, वो भाई भाई नहीं, ये बंधु बंधु नहीं, वो देवता देवता नहीं जो हमें भगवत भक्ति राज्य में जो हमको ले नहीं पाए, वो हमारे साथ में कोई संबंध नहीं। इसलिए सही से परम बंधु सही पिता माता श्री कृष्ण चरण यही प्रेम भक्ति दाता। इसलिए हरे कृष्ण ये काना तुम जो ये ट्रांसलेशन कर रहे हो तुम उनको दे दो ब्रज सुंदर जी। इसलिए कहते हैं वही वास्तव रूप में पिता माता भाई बंधु है जो हमें भगवत चरण में जो हमें लगाए उनमें जो उन्मुख करें। लेकिन जो साधारण लोग हैं ना ये चीज को बोले तुमने पिताजी का सेवा नहीं किया भैया की तुमने सेवा नहीं की सब छोड़ दिया आज सब छोड़ छाड़ के बाबा जी बन गया जिसने तुमको इतना कष्ट करके जन्म दिया लाल में पाल में किया लिखाया सिखाया और तुमने उनको ही छोड़ कर गया और तू बाबा बन गया है। तुमने क्या संसार का क्या सेवा तुमने किया उसको किया नहीं संसार का सेवा पिता माता का ऋणी तुमने कुछ चुकाया नहीं और साधु बन गया बाबा आज कृष्णदास बन। इसलिए तूने बाबा बन गया साधु बन गया है लेकिन कहते वास्तव रूप में पिता माता भाई बंधु को कौन सेवा करते हैं समाज का कौन सेवा करते हैं। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है वो असली रूप में वो सभी को सेवा करता है। तत्ते जगत भगवान को संतुष्ट करने पर विश्व ब्रह्मांड अपने आप संतुष्ट हो जाता है। जगत में कितने लोग को तुम खुश करो एक को खुश करो तो दूसरे मुंह बुला कर बैठ जाते हैं। लेकिन अगर कृष्णा अगर संतुष्ट हो गए तो विश्व ब्रह्मांड संतुष्ट हो जाते हैं। पर किसी को संतुष्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। असली पिता माता का सेवा तो जो भजन करता है वही करता है। क्यों? उसका उसका तो 21 पीढ़ी उधर हो गई। एक बेटा अगर भजन किया तो उसका 21 पीढ़ी उधर उसने कर दिया कितना पीढ़ी उधर हो गया। और चैतन्य भागवत में कहते हैं त्रिकोटि कुल है श्री वैकुंठ वासी एक वंश में अगर एक बेटा भजन में लग गया चला गया तो बोले त्रिकोटि कुल है वहाँ पर 3 करोड़ कुलों का कल्याण हो जाता उधार हो जाता
उनका वैकुंठ वास होता है। वर्ष में एक व्यक्ति भक्ति करने का उनकी इतना लाभ, इतना लाभ हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जदुस्सव धर्मशीलस्य, ये जदु महाराज धर्मशील थे। यद्यपि दिखता है पिताजी को अपना जवानी नहीं दिया, क्यों? वो विषय भोग में लगाना चाहते थे, विषय भोग में ये लगाना चाहते थे, इसलिए बोले नहीं, ये जवानी मिला भगवान की सेवा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए मिला है। अगर हमें भक्ति के लिए अगर आप मांगते तो हम खुश होकर देते, लेकिन जो विषय भोग थे, विषय खड़ू सर्वत्र श्या, विषय भोग तो कुत्ते गधे सुअर जानवर भी ये विषय भोग कर रहे हैं। अब ये दुर्लभ जो जीवन है, इस जीवन पार करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन आप ये जवानी को लेकर कहाँ लगाना चाह रहे हो? आप विषय भोग में लगाना चाहते हो, इसलिए मैं आपको ये जवानी में देना नहीं चाहता है। और फिर ये मानव शरीर, ये 84 लाख जन्मों के बाद में ये मानव शरीर हुआ है, मानव शरीर हुआ, इसलिए सिद्धि विक्रम महाराज का कल उनका तिथि है, वो एक अच्छी बात बोलते हैं। देखो एक जीवन गुरु वैष्णव को सेवा में दो, ये जो भोग को एक जीवन स्टॉप करो, वो कहते थे बड़े स्ट्रीक रूप में करते, ये भोग वासना को खत्म करो हैं, ये भोग को बंद करो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए रिजर्व है। बताओ कैसे कौन सा जीवन में तुम गया नहीं, पुरुष बनने पर स्त्री, स्त्री बनने पर पुरुष, तुमको मिला नहीं? हर जीवन में तू यही काम करते करते आया, किया ज्यादा क्या है, वही शादी कर लिया, दो चार बच्चे जन्म दे दिया, बच्चे जन्म दे करके फिर क्या किया, फिर जीवन संसार में जमा दिया। इसलिए बड़े स्ट्रिक रूप में करते थे, एक जीवन इसको बंद करो, इसी जीवन बंद करो, बंद करके गुरु वैष्णव और ठाकुर का सेवा में एक जीवन पिता जीवन के लिए उसको स्टॉप करो है। इसलिए कहते थे प्रवृत्ति ऐसा होगा ना निवृत्त है तो महाफल, इसलिए जो निवृत्ति मार्ग में ही जाता पहले प्रवृत्ति मार्ग में नहीं, ये मानव शरीर कर्म जन्म है, एक जीवन में इतने कर्म बनता है, उसको भोगने के लिए इसको 84 लाख जन्म उसको जाना पड़ता है, 84 लाख जाना पड़ता है। लोग कहते इसको बंद करो, इस जीवन में बंद करके क्या करो, एक जीवन को भगवान की सेवा में और गुरु वैष्णव सेवा में एक जीवन को लगा दो, रगड़ कर इसको लगा दो, तो फिर धीरे 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 क्या होगा। इसलिए त्रिपुर महाराज वो कह रहे थे, किसने बोले महाराज जी हमारे हृदय तो विषय की वासना जान नहीं रहा, हमारे हृदय में तो विषय की वासना, हम तो ब्रह्मचारी बन गए, साधु बन गए, लेकिन हृदय से तो ये विषय वासना नहीं जा रहे हैं। हमें किसी ने पूछा, त्रिपुर महाराज कहते हैं ये तो जन्म जन्मांतर का ये विषय वासना है, ये कब छोड़ा तुमको, किस जीवन में तुमको ये छोड़ा विषय वासना, तुमको हर जीवन में ये विषय भोग तुमने किया हो है, वो कहते थे, लेकिन किसी जीवन में ये विषय भोग में मत दो, ये मन जाने पर भी ये मन को बारंबार विषय से खींच करके क्या करो, भगवान की सेवा में लगाओ, ठाकुर जी की सेवा में एक जीवन अगर स्टॉप कर दोगे, एक जीवन ही कर दोगे, एक जीवन अगर स्टॉप कर दोगे ना, फिर उन्हीं से वो स्टॉप हो जाए। और जो भक्ति करोगे, ये भक्ति हर जीवन में ये बढ़कर के भक्ति प्रकट होगा, घट करके प्रकट नहीं होगा। इसलिए बड़े स्ट्रीक रूप में कहते थे एक जीवन इसको कष्ट करके इसको प्राप्त कर, एक जीवन वो स्ट्रीक रूप में बड़े, और जो देखे उनको पता है बड़ा स्ट्रीक थे। इसलिए कहते जदुस्तर धर्मशीलस, इसलिए ये जीवन को हमें विषय भोग में नहीं देने का, इसी जीवन को हमें गुरु वैष्णव भगवान की सेवा में एक जीवन को किसी तरह से, मेरे गुरुदेव यही कहते किसी तरह से एक जीवन रगड़ करके गुरु वैष्णव ठाकुर की सेवा में रगड़ करके शरीर को लगा दो, बस अगले जीवन में तुम्हारी कल्याण धीरे 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 कल्याण होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इनको धर्मशील इनको बताया, इसलिए आज दो दो वैष्णव का तिथि है, आज हमारे भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का एक परिकर है जिसका नाम भक्ति सर्वस्व, भक्ति सर्वस्व गिरि गोस्वामी महाराज, और श्री वासुदेव घोष का भी आज तिथि, आज हमारे कृष्णदास प्रभु उनको विषय पर बहुत अच्छे अच्छी कथा जानते हैं, आज उनको विषय पर वो कुछ बोलेंगे,
और हमारे संजय प्रभु जी जिस विषय पर बोलना चाहते हैं वो उसी विषय पर बोले। अज्ञान तिमिरांधश्च ज्ञानांजन शलाकया सच्चुरं मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यहाँ पर सब सब कंटिन्यू बैठो, इंग्लिश में बोल दो, अंग्रेज सब समझते हो ना। अरे तबीयत भी ठीक नहीं है। तबियत सही होने पर अंग्रेजी में बोलते हैं। दिमाग में ट्रांसलेशन करना पड़ता है। दिमाग में ट्रांसलेशन करना पड़ता है सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट हूँ। विष्णुपाद अष्टोत्तर शशि श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात इच्छा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट हूँ। विष्णुपाद अष्टोत्तर शशि श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए पूज्यपाद संजय प्रभु एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी के चरणों में यथायोग्य प्रणाम अर्पण करता हूँ। हम लोगों ने पुनः पुनः श्रवण किया है, वैष्णवेर गुणगान करले जीवेर त्राण। भगवान की तिथियों को पालन करने से भी अधिक महत्वपूर्ण है वैष्णवों की तिथियों का पालन करना। और वैष्णवों की तिथियों का पालन करने की भी विधि क्या है, जो कि एक समय श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी बताया करते थे कि एक उत्सव में वो गए, चार घंटे वहां पर हरि कथा और कीर्तन हुआ और उत्सव के पश्चात में सबको प्रसाद स्वरूप एक एक बताशा बांटा गया। कभी कभी श्री गौर किशोरदास गोस्वामी महाराज और किशोरदास बालाजी महाराज वो भी उत्सव किया करते थे, सारी रात संकीर्तन में सबको निमंत्रण देते थे, हरि कथा कीर्तन चलता था सारी रात और सुबह वैष्णव लोग हरि बोल करके अपने घर चले जाते, कुछ भी नहीं वहाँ बताता भी नहीं। तो वास्तव में जो तिथि है वो यही है, क्योंकि उनकी महिमा को कीर्तन करने से, उनका गुणगान करने से, उनको पुनः पुनः श्रवण करने से हमको भक्ति प्राप्त होगी। हम लोग बड़े भाग्यवान हैं, हमें कथा प्रसाद तो मिलता ही है और उसके बाद महाप्रसाद भी बढ़िया वैसे नहीं चल बढ़िया बढ़िया चका चक महा। हाँ, उसमें दोनों विचार है कि एक विचार श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ही बताया, एक तो ये विचार है जो कि अभी हमने बताया कि वैष्णवों की तिथि में प्रधानता गुरुत्व जो है हरि कथा और कीर्तन पर होना चाहिए। किंतु दूसरा विचार श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी दिखाया कि हरिदास ठाकुर जी के उत्सव में उन्होंने महाप्रभु ने घोषणा की कि जिस किसी ने भी इस उत्सव में किसी प्रकार से भी योगदान दिया, यहाँ तक कि प्रसाद वितरण या प्रसाद सेवा किया अथवा किसी ने प्रसाद ग्रहण भी किया, तो उसको भी किसी न किसी जन्म में भक्ति प्राप्त होगी। किंतु इस ये दोनों विचारों का सामंजस्य करते हुए ही हमें आगे बढ़ना है कि हमारा भी अधिकार किसमें, कि हम कहीं ज़्यादा आडंबरपूर्ण तरीकों में तो नहीं उलझ गए, जिससे कि जो उत्सव है उसका जो मुख्य चीज़ है वो क्या है, हरि कथा कीर्तन। क्योंकि जो वैष्णवों के आदर्श हैं, आचरण हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको हमको श्रवण करके धारण करके उनका पालन करने से ही हमसे कृष्ण महाप्रभु प्रसन्न होंगे। तो इसलिए वैष्णवों की तिथियों में वैष्णवों की महिमा का कीर्तन गुणगान करना अत्यंत आवश्यक है और उसी से तिथि का विशेष रूप से पालन होता है। महाप्रसाद सेवा भी सेवा है, इसमें तो कोई संदेह नहीं, स्वयं महाप्रभु ही बोल रहे हैं, किंतु सारे जन उसी में लगे रहे और जो हरि कथा कीर्तन को गौड़ कर दिया वो ठीक नहीं, अगर हमारी सामर्थ्य है तो
श्रील भक्ति सर्वस्व गिरि गोसाई महाराज जी अथवा जो श्रील प्रभुपाद जी के अन्य जो पार्षद हैं उनकी महिमा के संबंध में श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ने एक ग्रंथ प्रकाशित किया है, माई बिलव्ड मास्टर इंग्लिश में उसका नाम है और हिंदी में मेरे परम स्नेही प्रभुवर। इस ग्रंथ को सभी लोगों को निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी किस प्रकार से उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी के पार्षदों से कैसे सभी का जो एक वैशिष्ट्य था जो उन्होंने अपने आचरण के द्वारा जो शिक्षाएं प्रदान की हैं उनको कैसे उन्होंने सभी से ग्रहण किया और अपने जीवन में किस प्रकार से उसका पालन किया और इसी कारण से उनका व्यक्तित्व जो है इतना प्रभावशाली और इतना विशेष था। तो उसी में से श्रील भक्ति सर्वस्व गिरि गोस्वामी महाराज जी की महिमा को भी उन्होंने उस ग्रंथ में प्रकाशित किया है। उसमें से कुछ श्रील प्रभुपाद के परिकरों का विशेष वैशिष्ट्य है कि उन्होंने किस किस प्रकार से अपने जो गुण हैं उनको महाप्रभु की अपने गुरु जी की सेवा में नियुक्त किया। जैसे हम लोग सुनते हैं श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, उनका क्या था वैशिष्ट्य था, देखो उनका जो स्पीकिंग था स्किल्स, जो वक्तृता थी बहुत ही सुंदर प्रभावशाली थे व्यक्तित्व था। और अभी कुछ दिन पहले इनकी तिथि गई थी, भक्तों ने श्रवण किया होगा किस प्रकार से श्री प्रभुपाद ने उनको ब्रज में भेजा था कि परिक्रमा पार्टी के लिए तुमको सारी व्यवस्था करनी है। तो उन्होंने क्या किया कोट पैंट पहन करके, देखो यहाँ पर यही विशेष बातें हैं कि बाह्य एक चीज़ें हैं बाह्य आचरण हैं वो सेवा में ज़्यादा महत्व नहीं रखती, आंतरिक हृदय की जो वृत्ति है सेवा वृत्ति वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और जो गुरु वैष्णव है और भगवान है वो उसी वृत्ति को ही देखते हैं बाह्य आडम्बरों को नहीं देखते। तो उन्होंने कोट पैंट पहन करके और वो जो टैक्स की बुक हाथ में लेकर के और मथुरा में बड़े बड़े सेठ के पास गए, सब में घबरा गए सभी लोग, बहुत सारा उन्होंने धन इत्यादि एकत्रित किया और बाद में बता भी दिया कि देखो भाई मैं तो साधु हूँ और हमारे गुरु जी की परिक्रमा आने वाली है। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य क्या, उनका जो एक विशेष गुण है उन्होंने उस गुण को किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद की सेवा में लगा दिया। एक समय और भी एक स्थान पर एक रानी ने गौड़ी मठ को भूमि देने के लिए लखनऊ में नैमिषारण्य में शायद तो वहाँ पर भूमि देने के लिए उनको बोला गौड़ी मठ वाला, लेकिन बाद में अब किसी के बताने से वो भरत वो अपना वादे से मुकर गई। तो फिर श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी उनके पास गए और उन्होंने उसको जाकर के बोला कि देखो मैं गौड़ी मठ की तरफ से आया हूँ वकील तुम्हारे ऊपर मान हानि का मुकदमा करने के लिए, क्यों, क्योंकि तुमने पहले तो हमको वचन दिया कि भूमि देनी गौड़ी मठ को, तो हमने क्या किया सारे अखबारों में वो बात प्रकाशित कर दी, अब तुमने अपनी बात से मुकर गए, अब जब मुकर गए तो हमारा तो कितना सारा जो पब्लिक में क्या होगा हमारा निंदा होगी, तो इस प्रकार से तुम्हारे ऊपर 10,000 रुपये का मान हानि करके तो ट्रेन। और ये भी देखो विशेष बात क्या है, भगवान की व्यवस्था भी आती है, उसी स्टेशन पर ट्रेन लेट हुई 3 घंटा लेट, उसी उतने ही टाइम में श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी उनके पास में गए और जाकर के इस प्रकार से बात की, तो वो तो डर गया भयभीत हो गया, तो उसने कहा नहीं नहीं 10,000 तो बहुत ज़्यादा है, तो 5,000 पे सेटिंग हो गया और भूमि भी देने के लिए तैयार और 5,000 रुपया और एक्स्ट्रा लेकर भी आए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी की सेवा के लिए कैसे कैसे हमारे परम गुरुदेव, देखो उनका क्या वैशिष्ट्य था, वो पहले से ही पूर्व आश्रम में जमींदार थे और उन्होंने उसी जो गुण था उसको किस प्रकार से प्रभुपाद जी की सेवा में अपना तन मन देकर प्राण देकर के कैसे उसको सेवा में लगाया। इसी प्रकार से श्रील भक्ति सर्वस्व गिरि गोस्वामी महाराज जी उनके अंदर भी वक्तृता जो स्पीकिंग स्किल्स था बहुत अच्छा था। एक समय वे उस समय अंग्रेजों का शासन चलता था तो गवर्नर जनरल के पास में गए थे, तो वहाँ पर जाकर के उन्होंने उनसे कहा कि आप हमारी सहायता कीजिए, हम लोग गौड़ी मठ से आए हैं, हमारे प्रचार में महाप्रभु के प्रचार में हमको थोड़ा भूमि इत्यादि के लिए हमारी सहायता कीजिए और साथ में प्रचार कार्य में भी थोड़ा योगदान दें। तो गवर्नर जनरल ने बोला कि देखो मैं किसी विशेष धर्म के लिए कोई सहायता नहीं कर, स्पष्ट मान यह सुनकर के श्री भक्ति सर्वस्व गिरि गोस्वामी महाराज जी निर्भीक, इसमें यह भी दिखाया वैष्णवों का गुण होता है निर्भीकता, क्योंकि आत्मधर्म प्रतिष्ठित होते हैं इसलिए वो किसी से भी भयभीत नहीं होते। सबसे अधिक जो हम लोग इस
विषय में श्रवण करते हैं श्री प्रहलाद महाराज जी का चरित्र, देखो तो जरा किसके सामने खड़े हुए, हिरण्यकश्यप के सामने, जो कि इस पूरे ब्रह्मांड में उसको कोई ब्रह्मा जी की सृष्टि में मार ही नहीं सकता। जो एक भृगुदि को टेढ़ा कर दे तो देवता लोग थर थर कांपने लगते हैं। और प्रहलाद महाराज से जब उसने पूछा कि तुमने सबसे उत्तम विद्या क्या सीखी, तो उन्होंने श्रवणम कीर्तनम विष्णु, पहले से ही पता है कि विष्णु के नाम से इसको इतना चिढ़ है, ये सीधे तलवार निकाल करके मेरी हत्या कर देगा। किंतु फिर भी देखो निर्भीकता, ये आत्मधर्म प्रतिष्ठित व्यक्ति के लक्षण। इसी प्रकार से बहुत सारे इसके ऐसे उदाहरण हैं। तो यहाँ पर श्री भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज जी ने निर्भीकता पूर्वक बोला गवर्नर जनरल को, ये देखो अगर मैं यह बात प्रमाणित कर दूं कि तुमने पूर्व में भी किसी धर्म विशेष के प्रति तुमने सहायता की है, तो आप क्या मेरी सहायता करेंगे? तो गवर्नर जनरल तो यह सुनकर के अवाक रह गया कि देखो कैसे निर्भीक व्यक्ति। तो क्रोधित होने की बजाय उल्टा उनसे संतुष्ट हुआ, और तब से बता रहे हैं कि धीरे धीरे उनके साथ में धीरे धीरे उनका मित्रवत व्यवहार हुआ। फिर कई सारे पत्र भी लिखते थे उनको, गवर्नर जनरल के अपने हाथ से लिखे हुए पत्र और उनकी साइन किए हुए पत्र उनके पास में थे। एक समय कहीं बाहर विदेश में गए थे वो प्रचार के लिए, तो वहाँ पर वहाँ के गवर्नर को उन्होंने मिलने के लिए उन्होंने बात किया, तो वहाँ के जो उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स इत्यादि हैं उनसे जा कर के बोला कि देखो मैं बॉडी मठ की तरफ से आया हूँ और तुम्हारे गवर्नर साहब से मिलना चाहता हूँ। और उन्होंने जो गवर्नर जनरल का जो पत्र था हाथ से लिखा हुआ वो दिखाया, तो उन्होंने उनको प्रवेश अलाउ कर दिया। भीतर पहुँचे तो गवर्नर उनको देख करके बड़ा क्रोधित हो गया। उन्होंने कहा अरे इस व्यक्ति को किसने भीतर आने दिया, तुम कैसे भीतर आ गए? तब श्री भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज जी ने उनको भी पत्र दिखाए तो वो थोड़ा शांत हो गया। तो वो आश्चर्य से पूछने लगा, उनको भीतर ले गया सम्मानपूर्वक और पूछने लगा कि ये बताओ आज का गवर्नर जनरल ने मुझे भी अपने हाथ से लिखा हुआ पत्र नहीं भेजा है, आप कौन हैं? आपका ऐसा क्या महिमा है कि उन्होंने स्वयं अपने हाथ से लिखे हुए पत्र आपको प्रदान किए? जबकि हमको कभी भी वो लेटर लिखते हैं तो वो नीचे लिखा रहता है द गवर्नर जनरल, बस इंग्लिश में है, उनका अपना हाथ से लिखे साइन भी नहीं होता। तो आपको ये अपने हाथ से लिखे हुए साइन दिए हुए पत्र इस प्रकार से कैसे दे दिए? तो उन्होंने उनको पूरी बात बताई कि इस प्रकार से हमारी गवर्नर जनरल से मित्रता हुई, और इस प्रकार से जब उनको गवर्नर को पता चला तो उन्होंने भी श्री भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज जी की सब प्रकार से सहायता की। तो ये दिखाता है उनका जो वैशिष्ट्य है कि जो उनका गुण है अपना अपना, जो प्रभुपाद जी के पार्षदों में देखा जाता है जैसा जैसा जिसका गुण था किस प्रकार से उन्होंने उस गुण को ही श्री प्रभुपाद जी की सेवा में लगाया। उनका एक और विशेष गुण था कि जो भी अपने गुरु भ्राता है उनकी तन मन धन से जिस प्रकार से भी हो वो सेवा करना, उसका अधिकतर सबसे जो बड़ा प्रमाण है वो हमारे परम गुरुदेव के साथ में उनका संबंध भी रहा है, बड़ा विशेष संबंध था। जब श्री प्रभुपाद जी प्रकट हो गए उस समय गौड़ी मठ में अनेक सारी अव्यवस्थाएं हुई, असुविधाएं उत्पन्न हुई, और उसी समय झूठा केस लगा करके हमारे परम गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज और बहुत सारे बड़े बड़े वरिष्ठ वैष्णव थे, उन सबको भी झूठा केस लगा करके जेल भिजवा दिया। जब श्री भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज जी को इस बात के बारे में पता चला तो उन्होंने उस समय, श्री महाराज जी लिखते हैं कि उनके पास 50 रुपये थे और वो 50 रुपये में से केवल 5 रुपये अपने पास रख करके बाकी 45 रुपये उनको वकील के फीस के लिए, जेल से छुड़ाने के लिए और जो व्यवस्थाएं हैं वो सब करने के लिए साथ ही साथ 45 रुपये उन्होंने प्रदान कर दिए। और एक समय जब हमारे परम गुरुदेव श्री चैतन्य मठ से अलग हो गए थे उस समय एक स्थान पर उन्होंने किराए का मकान लिया, उसी में गौड़ी मठ को फिर से प्रारंभ किया। एकादशी का दिन था और मठ में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, प्रसाद के लिए भक्तों के लिए बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो परम गुरुदेव ने उस समय सारे ब्रह्मचारियों को बुला करके बोला कि देखो आज हम लोग निर्जला व्रत करें। तो ब्रह्मचारी तो संतुष्ट हो गए, ठीक है निर्जला व्रत करेंगे। किंतु उसी समय श्री नारायण मुखोपाध्याय दो और एक और उनके साथ में थे वैष्णव थे, दो वैष्णव परम गुरुदेव के गुरु भ्राता उस समय वहाँ पर आए मठ में मिलने के लिए।
तो परम गुरुदेव सोचने लगे कि अब वैष्णव आए हैं, इनकी सेवा किस प्रकार से करूं। तो भगवान ने जो बोला है, अनन्या चिंता इनको माम ये जना परिवार से शेषान नित्य भुक्ता नाम योग सेवम यहाँ, कि जो मेरा अनन्य भाव से भजन करते हैं उसका कितना साक्षात और इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। उसी समय गौरैया पक्षी आया और उसने आकर के एक पोटली गिरा दी, उस पोटली में से पैसे निकले। तो परम गुरुदेव को ये उस पोटली को देख खोल करके देखा और उसमें पैसे देखे तो परम गुरुदेव के नेत्रों में अश्रु आ गए कि देखो भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, जो भी उनके लिए इस प्रकार से उनकी सेवा की अथवा वैष्णव सेवा की कोई मन में अभिलाषा करता है, अपने भोग की अभिलाषा से नहीं करेंगे भगवान, वैष्णवों की सेवा की अभिलाषा करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान उसके लिए योग और स्वयं प्रदान करेंगे। तो फिर उन्होंने बाजार से फल इत्यादि मंगा करके ठाकुर जी को भोग लगाया और वैष्णव सेवा की। कुछ समय के पश्चात में ही 100 रुपए का मनी ऑर्डर आया और वो 100 रुपए का मनी ऑर्डर श्री भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज जी ने भेजा। बांग्लादेश में उस समय प्रचार में थे वो और वहाँ से उनको पता चला कि श्री हमारे परम गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज वो चैतन्य मठ से अलग हो गए हैं और उनके साथ में बहुत सारे ब्रह्मचारी भी अलग हो गए चैतन्य मठ से और वो सब किंतु उनके पास में अभी कोई सुविधाएं नहीं है और मठ से वहाँ से उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। परम गुरुदेव जब चैतन्य मठ से वो कुछ भी लेकर के तो इसलिए भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज जी ने वहाँ से 100 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा जो उन्होंने प्रचार में धन एकत्रित किया था। देखो वैष्णव सेवा के लिए किस प्रकार से उनका योगदान था, किस प्रकार से उनका एक चित्त वृत्ति थी और वो स्वयं इस बात को कहते थे कि देखो जितना भी हमको धन प्राप्त होता है वो सब इकट्ठा करने की अपेक्षा वैष्णव सेवा में लगा देना चाहिए। और इसके हम कई सारे शास्त्रों में और भी प्रमाण देते हैं। श्री नारद जी के जो शिष्य हुए कौन, जो व्याज, वो व्याज को नारद जी ने कहा जब उन्होंने पूछा कि ये बताइए गुरुदेव मैं अगर ये जीवों की हिंसा करना इनको मारना छोड़ दूंगा तो फिर अपना जीवन यापन कैसे करूंगा। तो नारद जी ने उनको कहा चिंता मत करो, तुम खाली भजन करो, तुम्हारे लिए सब व्यवस्था भगवान अपने आप करेंगे। तो उस समय कुछ समय के पश्चात नारद जी फिर से अपने शिष्य से मिलने के लिए गए पर्वत मुनि के साथ में। तो वो जो शिष्य हैं व्यास उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात बोला कि गुरु जी आप मेरे लिए इतना सारा भेजते हैं इतनी तो मुझे आवश्यकता भी नहीं। तो नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करो, जो तुम यूज करते हो तुम्हारे लिए जो प्रयोग होता है उतना तुम अपने पास रखा करो और बाकी सब बांट दिया। तो यही बात श्री भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज जी भी कहते थे कि जो भी धन है हमको ये सब किसके लिए है, हरि गुरु वैष्णव सेवा के लिए है, इसको इकट्ठा करने से कोई लाभ नहीं। इस प्रकार से वो अपने सभी गुरु भ्राताओं के, ये तो हमने एक तो उदाहरण दिए, अपने सभी गुरु भ्राताओं की इस प्रकार से धन के द्वारा सेवा किया करते। उसके पश्चात में उनके कितने गुरुत्वपूर्ण विचार हैं। एक समय वो श्री चैतन्य बॉडी मठ में थे और वहाँ पर श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी भी थे। कथा के लिए श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी श्रील महाराज जी के पास में गए कि महाराज जी यहाँ पर आप श्रेष्ठ वैष्णव हैं इसलिए आप थोड़ी देर कथा कीजिए। तो श्रील महाराज जी ने श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी को कहा कि देखो कोई मठ में रहने से ही श्रेष्ठ नहीं हो जाता, श्रेष्ठता के लिए जो गुरु वैष्णवों के आदर्श हैं, जो उनकी विचारधारा है, जो उनके आचरण है, उन सबको जिसने जितना अधिक रूप में धारण किया है वही श्रेष्ठ है। तो एक जो श्रेष्ठता की और वरिष्ठता की परिभाषा है उन्होंने वास्तविक परिभाषा क्या है ये दिखाया, जो कि श्रील प्रभुपाद जी ने भी अपने उपदेशों के द्वारा ये बात कई बार हम लोग श्रवण करते हैं ये बात बताई। जैसे एक ब्रह्मचारी था मठ में अनेक वर्षों से रह रहा था, श्री प्रभुपाद जी ने उनकी तरफ इंगित करते हुए कहा ये ब्रह्मचारी कौन है, इसको तो मैंने पहली बार देखा, तो क्या प्रभुपाद जानते नहीं है कि ये ब्रह्मचारी तो कई वर्षों से मठ में रह रहा है, लेकिन कारण क्या है, ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जो मठ में रहता है किंतु मठ के आदर्शों को आचार विचार को ग्रहण नहीं करता तो वो मठ में केवल शरीर से ही विराजमान और शरीर से ही होने पर भी किंतु वास्तविक रूप में उसका मठवास नहीं हो रहा है।
और इसी यही कारण है कि हमारा जो मठवास है उसका वास्तविक तात्पर्य नहीं समझ पाने के कारण ही हम लोग जो बाह्य चीजें हैं उनको ही देख करके सम्मान इत्यादि करते हैं, किंतु वास्तविक मठवास, वास्तविक वैष्णवता ये क्या है, जिन्होंने जितनी मात्रा में, जितने अधिक रूप में गुरु वर्गों के आदर्शों को ग्रहण किया वो उतना ही श्रेष्ठ। प्रहलाद महाराज की उम्र कितनी कम थी, 5 वर्ष 8 वर्ष, लेकिन कोई व्यक्ति बहुत समय से भजन कर रहा है तो वो श्रेष्ठ है कि प्रहलाद महाराज से? ध्रुव महाराज की उम्र भी कितनी, 5 वर्ष। तो यहाँ पर ये विचार है विशेष रूप से, इसलिए श्रील भक्ति सर्वत्र गिरी गोसाई महाराज जी ने उनको कहा कि तुम पाठ करो मैं सुनूंगा। तो श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी ने पाठ किया और पाठ करने के पश्चात में श्रील भक्ति सर्वस्व गिरी गोसाई महाराज जी के पास में गए, उनको प्रणाम किया। तो श्रील भक्ति सर्वस्व गिरी गोसाई महाराज जी ने कहा कि तुमने बहुत अच्छे रूप में पाठ किया और इससे प्रतीत होता है कि तुमने वास्तविक रूप में गौड़ीय विचारधारा, गौड़ीय मठ के आदर इनको ग्रहण किया और उनको प्रचुर आशीर्वाद प्रदान किया, क्योंकि उनके लिए वो गुरु तुल्य है। नियमों के पालन के विषय में बड़ा सुंदर उन्होंने आचरण करके दिखाया। सीधा प्रभुपाद जी के जो गण हैं उनका बताया जीवन चरित्र हमारे क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीधा प्रभुपाद जी ने जो मठ बनाए और उन मठों में रहते हुए ही उनके जो गण हैं उन्होंने किस प्रकार के आचार विचार को प्रकाशित किया। देखो एक समय श्री चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए तराधाम में, उनके पार्षदों ने भी बहुत सारे, जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, उनका भी हम आचार विचार देखते हैं और उन्होंने भी इतनी सारी शिक्षाएं प्रदान की हैं, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण हमारे लिए श्री प्रभुपाद जी के पार्षदों के जो आचार विचार है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय एक अलग परिवेश था, अलग वातावरण था, परिस्थितियां भी अलग थी। लेकिन मठ में एक अलग प्रकार का परिवेश होता है, परिस्थितियां भी अलग प्रकार की होती है, उन्हीं परिस्थितियों में हम हैं यहाँ पर। तो इसलिए उन्होंने जो आचरण करके दिखाया वो हमारे लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है कि मठ में किस प्रकार से हम लोगों को वास करना चाहिए, आपस में वैष्णवों से किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, ये सब श्रील प्रभुपाद जी के गणों ने बहुत रूप में शिक्षा प्रदान की। तो एक समय वो किसी उत्सव में आए थे 2-4 दिन के रहने के लिए, तो आकर के उन्होंने किसी ब्रह्मचारी को बोला कि देखो, शायद श्रील भक्ति विज्ञान भारती को स्वामी महाराज जी ने बोला कि देखो मैं क्या यहाँ पर 2-4 दिन ठहर सकता हूँ, क्योंकि मैंने कोई भी यहाँ पर ठहरने के लिए अनुमति पत्र नहीं लिया। तो श्रील भक्ति देव माधव गोस्वामी महाराज जी अनुमति पत्र नहीं लिया, क्योंकि जो मठ इंचार्ज इत्यादि होते हैं कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं तो उनसे अनुमति पत्र इत्यादि देना चाहिए। तो श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज ने कहा, महाराज आपको अनुमति पत्र की क्या आवश्यकता है, बड़े ज्येष्ठ गुरु भ्राता है श्रील भक्ति देव माधव गोस्वामी महाराज जी के, बड़े ज्येष्ठ गुरु भ्राता है, फिर भी इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो ये बात श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ने कही, तो उन्होंने कहा देखो फिर भी ज्येष्ठ होने से ही कुछ नहीं होता है, ये अगर नियम अगर मैं पालन नहीं करूंगा तो मुझे देख करके बाकी अन्य लोग भी क्या करेंगे, इसलिए नियमों को पालन करना सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। और ये सब बातें हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग भी इस प्रकार से ब्रह्मचारी का जीवन यापन करते हैं, किसी अन्य स्थान पर जाते हैं तो हमारे क्या मर्यादा होनी चाहिए, वो सब इन गुरुवर्ग ने हमको आदर्श स्थापित करके दिखाया। तो इसलिए उन्होंने बताया कि अगर मैं आज ऐसा नहीं करूँगा तो मुझे देख करके बाकी जितने भी लोग हैं जो वरिष्ठ नहीं है किंतु मेरा उदाहरण दे दे करके फिर उसका दुरुपयोग करेंगे और उससे क्या होगा, उनका अपराध ही होगा। इस प्रकार की बात दिखाई। एक और बात कह करके मैं फिर अपने वक्तव्य को समाप्त करूँगा। एक समय श्रील भक्ति दास माधव गोस्वामी महाराज जी के मठ में उत्सव था, उस समय श्री भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज जी भी आए। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जब वैष्णव लोग पंक्ति में बैठते हैं तो सबसे वरिष्ठ भक्त इस प्रकार से क्रम होता है, तो सबसे लाइन में सबसे आगे श्री भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज जी बैठे। प्रसाद पाने के उपरांत में सारे वैष्णव उठ करके चले गए, अंत में श्री भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज जी रहे। उस समय श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ने कच्छ में प्रवेश किया पत्तले उठाने के लिए, और वो जब पत्तले उठाने लगे तो श्री भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज जी का रुको 1 मिनट रुक जाओ, और उन्होंने क्या किया अपने जितने भी गुरु भ्राता हैं उनकी पत्तलों में से लेकर के थोड़ा थोड़ा उनका उच्चेष्ट प्रसाद ग्रहण किया।
तो ये बात जब उन्होंने ऐसा कर रहे थे उसी समय से भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी कच्छ से बाहर आए और उन्होंने श्रील भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी को ये बात बताई। तो श्रील भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी भीतर आए और आकर के उन्होंने भी सारी पत्तलों में से लेकर के ग्रहण करना शुरू कर दिया उच्च प्रसाद सबका। तो ये बात श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ने इस प्रकार से जिज्ञासा की कि श्रील भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज जितने भी वैष्णव थे उसमें सबसे वरिष्ठ थे और ये उनके कनिष्ठ गुरु ज्यादा हैं, फिर उनका इस प्रकार से उच्च स्थिति क्यों ले रहे हैं, इसमें क्या कोई वरिष्ठता इत्यादि का विचार है। तो उन्होंने इस प्रकार से उत्तर दिया कि देखो कनिष्ठ और वरिष्ठ की बात मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने वही श्लोक बोला जैसे चैतन्य चरितामृत तैयार जो बताया भक्त भक्त पद धूलि और भक्त परजल भक्त भक्त शेष यही तीन सागर है, यही प्यार उन्होंने बोला। और उसमें बताया उन्होंने उदाहरण भी दिया कि जो श्री कालिदास के भक्त कालिदास उन्होंने जब उच्चिष्ट प्रसाद वैष्णवों का ग्रहण करते थे उस समय तो वहाँ पर कहीं ऐसा वर्णन नहीं आया कि उसमें वरिष्ठता और कनिष्ठता का कोई उन्होंने इस प्रकार से विचार किया और उसके फलस्वरूप उनको क्या प्राप्त हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु का चरणामृत प्राप्त हुआ जो कि अत्यंत दुर्लभ था। महाप्रभु ने विशेष रूप से सबको मना कर रखा था कि कोई भी नहीं ले, किंतु महाप्रभु ने उनको मना नहीं किया। तो इस प्रकार से जो भक्तों का उच्चिष्ट प्रसाद है, जबकि हम लोग बहुत सारी कथाएं जानते हैं इसके विषय में, किंतु उसमें भी एक और विशेष विचार उन्होंने बताया क्या कि मेरे जितने भी कनिष्ठ गुरु भ्राता हैं ये मुझसे अधिक प्रभु पाद की तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, तन मन प्राण देकर के सेवा कर रहे हैं। तो इनके हृदय में जो सेवा का भाव है, प्रभु पाद जी के प्रति जो निष्ठा है, वो मेरे अंदर भी अपने आप ही आ जाएगी इनकी कृपा से अगर मैं इनका उच्चिष्ट प्रसाद ग्रहण करूँ। तो उच्चिष्ट प्रसाद की महिमा हम लोग जानने पर भी एक विशेष जो विचार उन्होंने दिखाया ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छय गोसाई करी चरण वंदन। जहाँ हैते विघ्ननाश अभीष्ट पूरन श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरु पाद पद्म जगत गुरु नित्य लीलाप्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् शिल भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्य लीलाप्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडत प्रणाम। समस्त रूपानु गुरु परम्परा के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडत प्रणाम। सपार्श सपरिका शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जयुक्त हूँ। सपार्श सपरिका श्री गौर नित्यानंद प्रभु जयुक्त हूँ। उपस्थित पूज्यपाद श्री भक्ति विदान श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडत प्रणाम। पूज्यपाद राम सिद्ध प्रभु जी हमारे कृष्णदास प्रभु ब्रह्मचारी वैष्णव वैष्णवी सबके चरणों में मेरा जत्था जो दंडत प्रणाम। आज एक विशेष तिथि है और उस तिथि का कुछ सुष्ठु परिचय हमारे प्रभु जी ने बतलाया है। शिला प्रभुपाद जी के एक अंतरंग निज जन श्री भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज जी की आज शुभ तिरुभाव तिथि है और साथ ही श्रीमन महाप्रभु जी के भी अंतरंग पार्षद प्रवर श्री वासुदेव घोष जी की भी आज शुभ तिरुभाव तिथि है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने आदर्श के द्वारा हम लोगों को शिक्षा दी है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी जब नवदीप में अपनी विद्या विलास लीला कर रहे थे तो उस समय बड़ा चांचल्य प्रकाशित करते थे। श्रीवास पंडित जी श्री मुकुंद दत्त जी गदाधर पंडित जी ये सब जब महाप्रभु जी को मिलते तो महाप्रभु जी उनके साथ में बड़ा चांचल्य प्रकाशित करते उनको छेड़ते। भारत में 6 दर्शन प्रचलित हैं
उसमें से एक है न्याय दर्शन। महाप्रभु जी न्याय दर्शन पढ़ते और पढ़ाते और न्याय दर्शन की पहेलियां पूछते और ये लोग जब कुछ उत्तर देते तो महाप्रभु उनका खंडन कर देते, बड़ा चांचल्य प्रकाशित करते। किंतु जब श्रीमद् महाप्रभु जी गया गए और वहां से दीक्षा देकर लेकर के लौटे, उसके पश्चात में वो चंचल निमाई से भावुक निमाई हो गए। अब जब वैष्णवों को देखते तो उनको छेड़ते नहीं है, चांचल्य प्रकाशित नहीं करते। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री वृंदावन दास ठाकुर जी लिखते हैं, अब पहले तो चांचल्य करते थे, किंतु अब जब श्रीवास पंडित जी सामने आ जाते हैं ना, वो ज्येष्ठ हैं, तो कहते हैं उनको प्रणाम करते हैं, चंचल निमाई से भावुक निमाई हो गए। क्यों प्रणाम करते हैं? जब प्रणाम करते तो वो लोग आशीर्वाद देते हैं महाप्रभु को, क्योंकि महाप्रभु जी ने अभी तक अपना स्वरूप प्रकाशित नहीं किया। और श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, के ताने जानी ते पारे जदि ना जनाए। भगवान को कौन जान सकता है यदि भगवान स्वयं को ना जनाए? कौन जान सकता है भगवान को? शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी किसी उत्सव में हरिकथा कर रहे थे और उन्होंने अपनी हरिकथा में कहा कि भगवान को कोई नहीं जान सकता, भगवान को कोई नहीं जान सकता। हमारे महाराज जी बतलाया करते थे, शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, उन्होंने अपनी हरिकथा में कहा कि भगवान को कोई नहीं जान सकता। तो उनसे एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, हरिकथा समाप्त हो गई, उतना ही समय मिला उनको बोलने के लिए। तो एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, महाराज जी जब भगवान को कोई जान ही नहीं सकता तो आप लोगों ने भगवान के चरणों में अपना जीवन कैसे उत्सर्ग कर दिया? आप कैसे भगवान का भजन कर रहे हो? आप क्यों भगवान का भजन कर रहे हो? महाराज जी ने कहा कि हमको अपनी बात आधी कहने का समय मिला, बात पूरी करने का समय नहीं मिला, कल बतलाएंगे। महाराज जी ने अगले दिन अपनी हरिकथा में कहा, भगवान को कोई नहीं जान सकता, किंतु यदि भगवान स्वयं किसी को जनाना चाहे तो जानेगा या नहीं जानेगा? जानेगा। तो ध्रुव महाराज जी स्तुति नहीं कर सकते, मुख स्तब्ध हो गया। जब भगवान नारायण ने शंख छुआ दिया तो स्तुति की या नहीं की? तो भगवान यदि इच्छा करे तो जना सकते हैं। इसी को कहा गया ना श्रुतियों में, वेदों में, ना यम आत्मा प्रवचने ना लभ्यो ना मेधिया ना बहुना श्रुते। बड़े बुद्धिमान हो जाएंगे, बहुत कुछ कथा श्रवण कर लेंगे, बहुत शास्त्र पढ़ लेंगे, मेधिया माने बड़े बुद्धिमान, विचार करेंगे भगवान को जानने के, नहीं जानेंगे, कौन जान सकेगा? यमे वैशा विवृते तेन लभ्या, जिसको भगवान जनाना चाहेंगे, भगवान इच्छा करेंगे कि मैं इसके सामने अपना स्वरूप प्रकाशित करूं। सार्वभौम भट्टाचार्य जी बुद्धिमान थे कि नहीं थे? नाम ही सार्वभौम भट्टाचार्य, जान सके महाप्रभु को? जब तक महाप्रभु ने अपना स्वरूप प्रकाशित नहीं किया, और जब स्वरूप प्रकाशित किया तब जाना कि नहीं जाना? तो भगवान को जाना जा सकता है, किंतु भगवान जब इच्छा करे जनाने की। तो इसलिए श्रीवास पंडित जी महाप्रभु जी को आशीर्वाद देते, क्योंकि महाप्रभु ने अभी अपना स्वरूप प्रकाशित नहीं किया, तो महाप्रभु उनके आशीर्वाद को लेते हैं। इस बात को क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है कि श्री वृंदावन दास ठाकुर जी लिखते हैं, भक्त आशीर्वाद प्रभु शिरे करी लॉय, भक्त आशीर्वाद देते कृष्ण ते भक्ति भय। महाप्रभु जी भक्तों के आशीर्वाद को मस्तक पर धारण करते, क्यों? भक्त आशीर्वाद देते कृष्ण ते भक्ति भय। भक्तों के आशीर्वाद से ही कृष्ण के प्रति भक्ति हो सकती है, और किसी प्रकार से भक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती। भक्त्या भागवत राज्यम ना बुद्ध्या ना चाटिका, ये भागवत धर्म, ये भक्ति, ये तो भक्तों की कृपा से प्राप्त होने वाली वस्तु है, और इसको प्राप्त करने का कोई उपाय ही नहीं। इसलिए कहा, वैष्णवेर वश श्री कृष्ण सर्व शास्त्रे पर एक तत्व जानी लहो वैष्णव आश्रय। अरे सारे शास्त्र चीख चीख कर एक ही बात कह रहे हैं, कृष्ण तो वैष्णवों के वशीभूत है, ये तत्व को जानकर क्या करो? वैष्णवों का ही आश्रय लो। इसलिए वेद में भी कहा गया, अनुपास्व अनुपरस्व तेभ्याम शृणु हिते त्वाम अनंतु। अरे आश्रय विग्रह की उपासना करो, आश्रय विग्रह माने वैष्णवों की उपासना करो, वैष्णवों के चरणों की शरण ग्रहण करो, उनके शरणागत हो, वो कृपा करके तुम्हारी रक्षा करेंगे, वो कृपा करके तुमको भगवत प्राप्ति करा देंगे। इसलिए आज बड़ा विशेष दिन, वैष्णवों की विरह तिथि, वैष्णवों की आविर्भाव तिथि। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी लिखते हैं, ईश्वरेर जन्म तिथि जे है नो पवित्र, वैष्णवेर सही मतो तिथि का चरित्र। हम लोग ईश्वर की तिथि जन्माष्टमी राधाष्टमी गौर पूर्णिमा इस सब को मनाते हैं, तो वो कहते हैं वैष्णवेर सही मतो तिथि का चरित्र। वैष्णवों की जो तिथि है ना, उसको तो भगवत तिथि से भी अधिक उल्लास पूर्वक उसकी आराधना करनी चाहिए। और हमारे गुरुवर्गों ने आदर्श दिखलाया, श्री भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी, श्री सनातन गोस्वामी जी की तिथि उपस्थित होने पर संकल्प करते कि मैं 24 घंटा क्या करूंगा, नाम संकीर्तन करूंगा अकेला। वो एकाकी रहते थे अंबिका कालना में, ये उनका संकल्प था, ऐसे वो तिथियां मनाया करते थे। शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी से शिला भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज जी ने, प्रभुपाद जी पुरी में थे,
चटक पर्वत पर श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की तिरुभाव तिथि उपस्थित हुई। अभी आएगी ना कार्तिक के प्राय अंत में, तो श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने उस समय उनका संन्यास नहीं हुआ, नाम था श्रीपाद हयग्रीव ब्रह्मचारी। उन्होंने प्रश्न किया, आज हमारे परम गुरु जी की तिथि है, हम कैसे इस तिथि को मनाएंगे? श्रील प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, आज अनुक्षण हरि कथा का कीर्तन हो। अनुक्षण समझते, एक क्षण भी बिना रुके आज अनुक्षण हरि कथा का कीर्तन हो। हम बाबा जी महाराज के चरणों में क्या पुष्पांजलि देंगे? निरंतर उनकी महिमा के श्रवण कीर्तन के द्वारा हम बाबा जी महाराज के चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। हमारे गुरुवर्गों ने आदर्श दिखलाया, ये साधारण नहीं है वैष्णवों की तिथि। किंचित सा भी वैष्णवों का स्मरण होने पर कृष्ण वशीभूत हो जाते। क्यों देवानंद पंडित जी के प्रति वशीभूत हो गए? जबकि उनका अपराध था श्रीवास पंडित जी के प्रति, फिर भी उन पर कृपा की। क्यों? उन्होंने सेवा की किसकी? महाप्रभु जी के परिकर श्री वक्रेश्वर पंडित जी की। और महाप्रभु जी उनके घर में उपस्थित होकर कहते हैं उनसे, प्रभु कहे तुम जे सेविला बक्रेश्वर अतएव होइला तुम हमार गोचर। तुमने बक्रेश्वर पंडित जी की सेवा की ना, इसलिए तुमको हमारे दर्शन की प्राप्ति हो रही, इसलिए तुम दर्शन कर पा रहे, इसलिए महाप्रभु ने कृपा की। इसलिए वैष्णव की तिथि बड़ा महत्तम है इसका। इसलिए समय तो प्राय शेष दिशा की ओर जा चुका है, किंतु कुछ कुछ स्पर्श किया उन्होंने। शिला भक्ति सर्वस गिरी गोस्वामी महाराज जी का उनका क्या मोरल कंडक्ट था, सारा जीवन संपूर्ण जीवन उन्होंने किस आदर्श को पालन किया। श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कल्याण कल्पतरु में एक बात कही है, बड़ी हृदय स्पर्शी बात, कहते जदि थाके बहु धन निजे होवे अकिंचन वैष्णवेर करीबे उपकार। यदि तुम्हारे पास बहुत धन हो ना, शिक्षा दे रहे, यदि थाके बहु धन निजे होवे अकिंचन, स्वयं तो अकिंचन रहना और उस धन के द्वारा क्या करना, वैष्णवेर करीबे उपकार। उन्होंने सारा जीवन इस आदर्श का पालन किया। वो बहुत अच्छे कलेक्शन करने वाले थे, बहुत अच्छे से कलेक्शन करते थे, बहुत भिक्षा उनको मिलती थी, अंग्रेजी भाषा में बड़ा सुंदर प्रवचन करते थे, और इतना सहज सुलभ सरल अमामाय उनका व्यवहार था, जो भी व्यक्ति एक बार मिलता उनका ही हो जाता, इतनी सरलता पूर्वक। क्यों? सरलता का नामांतर ही वैष्णवता है, श्रील प्रभुपाद जी कहते थे। तो इतनी उनको उनके सरल व्यवहार, इतनी उनको भिक्षा मिलती थी, किंतु अपने निकट में क्या रखते थे, केवल यातायात के लिए, आने जाने के लिए, जो अत्यंत आवश्यकता की वस्तु है, बाकी जितना धन मिलता था उससे क्या करते थे, वैष्णवेर करीबे उपकार, वैष्णवों की सेवा में अपनी प्रत्येक वस्तु को नियुक्त करते। सारा संपूर्ण जीवन उन्होंने इसी मोरल कंडक्ट को, इसी उनका यही उनका नैतिक आचरण था, सारा जीवन उन्होंने इस आदर्श का पालन किया। उनके जीवन की एक और घटना हमारे शिला महाराज जी बतलाया करते थे, शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी। उनको किसी समय एक भक्त, उनका नाम था श्री गिरिधारी लाल भार्गव, उन्होंने एक स्थान जो है श्री विनोद बाणी गौड़िया मठ है, गुरु महाराज जी के साथ में भी इस स्थान पर श्री विनोद बाणी गौड़िया मठ में शिला भक्ति सर्वस गिरी गोस्वामी महाराज जी की तिथि में योगदान करने का सौभाग्य प्राप्त हो। गुरु महाराज जी जाया करते थे उनकी तिथि पर कार्तिक मास में, और हरि कथा का परिवेशन करते, बड़ी उनकी महिमा कहते गुरु महाराज। तो ये जो श्री विनोद बाणी गौड़िया मठ उनको प्राप्त हुआ, ये श्री गिरधारी लाल भार्गव जी ने उनको ये भूमि दी, किंतु वो श्री गिरधारी लाल भार्गव जी ने साथ में ये भूमि श्री भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज जी को भी देने की इच्छा प्रकाशित की। किंतु जब ये सूचना श्री भक्ति सर्वस गिरी गोस्वामी महाराज जी को मिली कि मुझको भी एक भूमि दे रहे हैं और शिला माधव गोस्वामी महाराज जी को भी एक भूमि प्राप्त होगी, तो उन्होंने शिला माधव गोस्वामी महाराज जी को संदेश दिया कि महाराज जी मेरी इच्छा है कि आप ही इस भूमि को ले लीजिए और आप यहीं पर मठ का निर्माण कर लीजिए, क्योंकि यदि आप मठ का निर्माण करेंगे मेरे निकट में तो कैसी उनकी दीनता, कैसी उनकी सरलता है। कहते हैं आपके सामने मेरा प्रभाव अर्थात मेरा प्रचार इत्यादि तो कुछ नहीं होगा, आपका तो बड़ा प्रभावशाली प्रचार है आपका, मेरा तो कुछ प्रचार होगा ही नहीं, तो भूमि लेने से लाभ भी कुछ नहीं, आप ही भूमि ले लीजिए। श्री माधव गोस्वामी महाराज ने क्या उत्तर दिया, मेरा यद्यपि विस्तृत प्रसंग है किंतु संक्षेप में जो मूल समझने की बात है वो क्या है, श्री माधव गोस्वामी महाराज जी कहते हैं मेरा जीवन का जो सर्वोत्तम लक्ष्य है वो है वैष्णवों की सेवा करना, वैष्णवों को किसी प्रकार का विघ्न देना नहीं, मैं इस भूमि को स्वीकार नहीं करूंगा, आप यहाँ पर मठ का निर्माण कीजिए, मुझको यदि वृंदावन में मठ बनाना भी होगा तो मैं क्या करूंगा, कुछ दूरी पर मठ बनाऊंगा जिससे आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। श्री माधव गोस्वामी महाराज जी ने परिवर्तित काल में श्री चैतन्य गौड़िया मठ का निर्माण किया जिसको बड़ा मठ कहते हैं। कैसा उन इन श्री प्रभुपाद जी के जो गढ़ इनका कैसा एक मोरल कंडक्ट है, कैसा इनका संबंध है पारस्परिक। और श्री भक्ति सरोज गिरी गोस्वामी महाराज जी ने भी अपने अप्रकट होने से पूर्व ये श्री विनोद बयाणी गौड़िया मठ जो है उसको श्री भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज जी को अर्पण कर दिया।
उनके हाथ अपने हाथ में लेकर के कहा आप इस स्थान को ले लीजिए। श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी ने कहा हमारा तो एक मठ पहले से ही है, आप और किसी गुरु भाई को दे दीजिए। उन्होंने हाथ श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी के हस्तकमल अपने हाथों में लिए, अपने हस्तकमल में लेकर कहा यदि आप इस स्थान को ले लेंगे, इसका दायित्व ग्रहण करेंगे, तो मैं शांतिपूर्वक अपनी देह परित्याग कर सकता हूँ। कैसा अद्भुत इन लोगों का आचरण है, कैसे जीवन मुक्त महापुरुष हैं, यही इनके साधारण, यद्यपि साधारण नहीं अत्यंत साधारण इन सबका प्रभुपाद जी के गणों का ही आचरण है। तो कहने के लिए तो उनके जीवन की बहुत सारी घटनाएं हमारे शिला महाराज जी हम लोगों को सुनाया करते थे। आज श्रीमद महाप्रभु जी के परिकर श्री वासुदेव घोष जी की भी तिथि है, हम लोग उनके बहुत सारे कीर्तन, ये तीन भ्राता श्री माधव घोष, श्री गोविंद घोष और श्री वासुदेव घोष जी, तीनों महाप्रभु जी के बड़े अंतरंग प्रिय परिकर हैं। और ब्रजलीला में भी कलावती, गुणतुंगा और एक और सखी है रत्नावती इत्यादि करके, अभी स्मरण नहीं हो रहा हमको, ये तीनों ही सखी जो हैं विशाखा सखी के अनुपत्य में जो श्री राधा कृष्ण को क्या करती हैं, जो सब संगीत इत्यादि के द्वारा जो श्री राधा कृष्ण की विशेष सेवा करती हैं, वही श्री माधव घोष, श्री गोविंद घोष और श्री वासुदेव घोष जी के रूप में इस जगत में प्रकट हुए। और उनके विषय में बहुत विस्तृत वर्णन यद्यपि नहीं प्राप्त होता है, विभिन्न स्थानों पर केवल इतना ही वर्णन है कि श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी के साथ प्रचार के समय में श्री गोविंद घोष, श्री वासुदेव घोष इत्यादि भी नित्यानंद प्रभु जी के प्रचार में उन्होंने योगदान किया था। श्री गोविंद घोष जी का स्थान अग्रदीप नवदीप के निकट में है और श्री वासुदेव घोष जी का स्थान तुमलक करके एक स्थान है, कलकत्ता से खड़गपुर की ओर जाओ मार्ग में ही वो स्थान पड़ता है। ऐसा भी वर्णन आया कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने उस स्थान को अपनी चरण धूलि से पदांग पूत किया था। और श्री वासुदेव घोष जी का कीर्तन इत्यादि भी है, गौरांग तुमी मोरे दयाना छाड़िया, उन सब कीर्तनों में उन्होंने श्रीमन महाप्रभु जी के जो प्रति जो भावनाएं प्रकाशित की है, इष्ट के प्रति जो निष्ठा है वो प्रकाशित की है, उस सबको हमको जानना समझना चाहिए। उनके विषय में एक बड़ी अद्भुत घटना श्रवण करने को मिलती है। जब उन्होंने ये श्रवण किया कि श्रीमन महाप्रभु जी जगत से अप्रकट हो गए, तो उन्होंने क्या किया, अपनी समाधि खोद ली, एक खड्डा खोद लिया और उसमें समाधि लेने के उद्देश्य से वो जाकर के बैठ गए कि अब समाधि ले लेंगे। तो उसी समय महाप्रभु जी वहां पर प्रकट हुए और एक हाथ से तो वासुदेव घोष जी को आशीर्वाद दे रहे हैं और दूसरे हाथ से उनको संकेत दे रहे हैं बाहर आ जाओ, अभी समाधि ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। तो महाप्रभु जी का वही सुंदर विग्रह, यद्यपि बड़ा असामान्य मुद्रा में महाप्रभु जी का जो विग्रह है वो उनके उसी तुमुलक उनके श्रीपाठ में अभी भी उसका दर्शन विद्यमान है। इनके कीर्तन जो है सर्वत्र ही हमारे गौड़े संप्रदाय में बड़े आदर के साथ में किए श्रवण और कीर्तन किए जाते हैं। आज उनकी भी तिथि है, क्योंकि संक्षिप्त समय में यदि चैतन्य चरितामृत अथवा चैतन्य भागवत गौर गणोदेश दीपिका इत्यादि से कुछ उद्धृत भी किया जाए तो उसका विस्तार करने के लिए, उसको समझने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है। तो जो भी हो, आज उन वैष्णवों के चरणों में हमारी यही प्रार्थना है कि जिस आदर्श को वो सारा जीवन पालन कर गए हैं, स्थापित कर गए हैं, हम भी अपने साधक जीवन में विशेषकर श्रीला प्रभुपाद जी के गणों का आदर्श, श्रीमन महाप्रभु जी के गणों का आदर्श, उसको कुछ हम किंचित परिमाण में हम अपने जीवन में क्या कर सकें, हम यदि उसका पालन कर सकें तो हमारा साधन, जो हमारे साधन दशा है ना, ये बहुत समृद्ध हो जाएगी। आज प्रातःकाल महाराज जी बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे थे सहनशीलता के विषय में, मैं एक छोटी सी बात बतला के यहीं पर विश्राम दूंगा अपनी वाणी को। श्रीला महावामन गोस्वामी महाराज जी, कल उनकी भी तिथि है, वो एक बड़ी सुंदर बात कहते थे कि हम साधन कर रहे हैं ना, तो वो कहते थे जय ही सहे सही रहे, जे ना सहे से नाश हो। श्रीला प्रभुपाद जी कहकर गए हैं सहनशीलता जो है वो मठवासियों का प्रधान कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि हमारे हृदय में पूरी संपूर्ण रूप में सहनशीलता आ गई, किंतु इन विचारों को जब सुनते हैं, पुनः पुनः श्रवण करते हैं, पुनः पुनः कीर्तन करते हैं, तो क्या होता है हमारे हृदय में कहीं ना कहीं निष्कपट भाव से यदि श्रवण कीर्तन करें तो इस आदर्श को पालन करने के लिए बल प्राप्त होता है। इसलिए पुनः पुनः श्रवण कीर्तन करने की बात कही गई। श्रीला वामन गोस्वामी महाराज जी इस बात को कहते थे, ये सहनशीलता जो है ये वैष्णवों का क्या है, जो विशेषकर मठवासी हैं, हमारे गुरु महाराज जी तो कहते थे, पुनः पुनः कहते थे, जीवा पर नियंत्रण रखने के लिए द्रौपदी की बात गुरु महाराज जी बतलाया करते थे, जीवा से निकाल दिया बस अंधे का पुत्र अंधा तो क्या हो गया, महाभारत हो गई, सीता जी ने लक्ष्मण जी के प्रति कटाक्ष कर दिया। यद्यपि भगवद लीला के उद्देश्य से ये सब कुछ होता है, किंतु गुरु महाराज जी कहा करते थे। मैं शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी की एक छोटी सी बात बतलाना चाहता हूँ।
शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी, और वास्तव में इसलिए कह रहा हूँ कि मैं स्वयं अपने जीवन में इसको पालन कर सकूँ, मुझे तो बड़ी आवश्यकता है इसकी। शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी जब वो सदगुरु का अन्वेषण कर रहे थे, बहुत स्थानों पर गए वो सदगुरु का अन्वेषण करते करते, किंतु जब वो कलकत्ता में लॉ पढ़ रहे थे तो उस समय में उन्होंने एक समय सड़क के किनारे एक वो देखा विज्ञापन, एक होर्डिंग देखा जिसमें दिखा था एक मास तक श्री गौड़िया मठ में महोत्सव। तो उनके मन में विचार आया कि मैं गौड़िया मठ में जाऊंगा, क्योंकि वो श्री चैतन्य महाप्रभु जी वो उनके विचारों से बड़े प्रभावित थे। तो उनके मन का विचार था कि गौड़िया मठ तो श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगत है, तो वो जाने लगे गौड़िया मठ में, आवागमन करने लगे। शिला प्रभुपाद जी से भी उनकी भेंट हुई, बड़े आकर्षित हुए शिला प्रभुपाद जी के प्रति। प्रतिदिन प्रभुपाद जी के निकट में बैठकर वो क्या करते, घंटों हरि कथा श्रवण करते। और प्रभुपाद जी का तो नियम था, एक श्रोता भी हो प्रभुपाद जी तो धारा प्रवाह हरि कथा कहते रहते थे। तो श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी प्राय उनके कक्ष में चले जाते, अभी नए नए मठ में आना जाना प्रारंभ किया, और जितना संभव होता प्रभुपाद जी से कथा सुनते। एक दिन क्या हुआ, वो प्रभुपाद जी के कक्ष में प्रवेश कर रहे थे तो शिला प्रभुपाद जी के सेवक थे श्री कीर्तनानंद प्रभु जी, उन्होंने किसी कारणवश, क्योंकि अभी संपूर्ण रूप में परिचित नहीं हुए थे ना शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी से, तो उन्होंने बड़ी कठोर भाषा में उनको निषेध कर दिया शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को, शिला प्रभुपाद जी के कक्ष में कभी प्रवेश मत करना, बिना आज्ञा के बिना अनुमति के कभी प्रवेश नहीं करना, वापस चले जाएंगे। शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी सीढ़ियों से नीचे उतरे और मठ से बाहर चले गए। उन्होंने स्वयं अपनी आत्मकथा में लिखा कि मेरा हृदय बड़ा दुखी हुआ, बड़ा दुखी। मेरे मन में विचार आया, देखो सुनने और समझने की बात है, वो कहते मेरे मन में विचार आया कि वैष्णवों का व्यवहार तो बड़ा सरल होना चाहिए, किंतु इनका व्यवहार इतना कर्कश इतना कठोर क्यों है। तो उन्होंने मन में विचार किया एक क्षण के लिए कि अब मैं कभी लौट करके गौड़िया मठ में नहीं जाऊंगा। किंतु जब वो कुछ पग आगे बढ़े तो उनके मन में अनायास एक विचार आया। क्या विचार आया, वो लिखते हैं कि मेरे मन में विचार आया कि मैंने महाभारत में पढ़ा है श्री सुखदेव गोस्वामी जब उनको जनक जी के निकट में श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए भेजा गया तो सात द्वारों पर उनको सात सात दिन के लिए रोका गया। सात द्वारों पर सुखदेव गोस्वामी को सात द्वारों पर सात सात दिन के लिए रोका गया, अर्थात उनकी परीक्षा ली गई। और उसके पश्चात में उनको क्या किया गया, उनको भागवत कथा जनक महर्षि जी जनक राज ऋषि जी ने उनको क्या किया, भागवत कथा श्रवण कराई। जब उनके मन में विचार आया तो उन्होंने एक क्षण ठहर गए, और ठहर कर उन्होंने मन में क्या विचार किया, उन्होंने मन में ये विचार किया यदि मैं किसी ऐसी संस्था में जाऊं जहां मेरा बहुत आदर हो, बहुत सम्मान हो, मुझे बहुत ऊंचे आसन पर बिठाया जाए, किंतु मेरा कोई पारमार्थिक लाभ नहीं है, ऐसी संस्था में जाने से मेरा क्या लाभ, और यदि मैं गौड़िया मठ से जुड़ा रहूं, यहां पर यदि कभी मेरा अपमान भी हो, यदि मेरे साथ कर्कश कठोर व्यवहार भी हो, किंतु मेरा पारमार्थिक लाभ यदि उसमें है तो मुझको इसी संस्था में जाना चाहिए। ये विचार उनके मन में आया, श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी लौट आए और वापस आकर मठ में बैठे। क्या आदर्श उनके जीवन का है, क्या विचार वैशिष्ट है उनके जीवन का है। हमको भी ये विचार, यही जीवन में आदर्श लेकर चलना होगा, जहां पारमार्थिक मंगल है। यदि गुरु वैष्णव शासन करें, वास्तव में गुरु वैष्णव यदि हमारे मंगल के लिए शासन करें, जैसे गुरु महाराज जी थे ना नवदीप परिक्रमा के समय, इतना शासन करते थे, किसी को दंड मार रहे हैं, किसी को कठोर शासन कर रहे हैं, क्यों करते थे, परिचालना के लिए, मंगल के लिए। और हमने तो कितना सुना गुरु महाराज जी के विषय में, प्रचुर शासन करते थे गुरु महाराज जी है। और उसके पश्चात जब गौर पूर्णिमा संपन्न हो जाती तो सभा में क्या करते, सबको बड़ी प्रीतिपूर्वक हाथ जोड़कर कहते मुझको क्षमा कर दीजिए, महाप्रभु जी की सेवा के लिए, यद्यपि गुरु हैं, शिष्यों से कह रहे हैं, छोटे कनिष्ठ गुरु भ्राताओं से कह रहे हैं, मुझको क्षमा कर दीजिएगा। महाप्रभु जी की सेवा के लिए क्या होता है, मुझको बहुत समय क्या करना पड़ता है, जैसे महाप्रभु जी के परिकर थे ना अभिराम ठाकुर जी, वो सबको क्या करते थे, कोड़े मारते थे। उनके पास में चाबुक, जयमंगल चाबुक था उनका, जिसको चाबुक मारते थे उसको प्रेम मिल जाता था। तो उनका चाबुक मारना वास्तव में क्या है, शासन करना है ना, प्रेम दान करना है, इसी को ही समझना। तो गुरु महाराज जी जैसे महापुरुष यदि शासन करें, ज्येष्ठ वैष्णव गुरु वैष्णव यदि शासन करें तो वो क्या है, जयमंगल चाबुक के समान। यदि हम ले सके, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं उसमें प्रतिष्ठित हो गया, किंतु इन विचारों को इसलिए कहना इसलिए सुनना है कभी इसमें प्रतिष्ठित हो सके। तो सदा सर्वदा पारमार्थिक लाभ को यदि लेकर के आप चलेंगे तब फिर ये शासन भी क्या प्रतीत होगा, ये शासन जयमंगल चाबू की प्रतीत होगा। गौर प्रेमानंदे
कल आज जैसे तिथि है कल इससे भी बढ़िया तिथि है। कल हमारे तीन तीन महापुरुषों का कल तिथि है। एक श्रील भक्तिवेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज, भक्तिवेदांत श्रील दिव्यक्रम गोस्वामी महाराज और श्रील भक्तिवेदांत श्रील स्वामी महाराज। कल ये तीनों तीनों वैष्णव का आविर्भाव की अभाव है, इसलिए कल हम लोग सवेरे सवेरे जल्दी जल्दी कीर्तन करेंगे। कीर्तन के बाद में फिर सब वैष्णव लोग थोड़ी थोड़ी कथा सुनाएंगे उनकी महिमा सूचक। उसके बाद में यहाँ विश्राम देकर फिर हम कल मथुरा जाएंगे, हैं? फिर हम कल मथुरा जाएंगे। मथुरा में भी बड़े धूमधाम से वहाँ पर भी कल भागवत का विश्राम है और उसके साथ साथ में ये गुरुवर्ग का भी कथा होगी। वहाँ पर भी हम लोग तिथि पालन करेंगे, फिर वहाँ से वापस चले आएंगे। फिर कल फिर परसों मेरे जो गुरुपाद पद्मा इनका भी कल परसों जन्मतिथि है। इसके पास में हमारे गुरु जी का मंदिर है, वहाँ पर भी जा करके कल वहाँ पर भी परसों वहाँ पर भी उनका तिथियों को हम पालन करेंगे। इसलिए लगातार उसको बाद में लगातार फिर हम जाएंगे गोवर्धन, फिर वहाँ परिक्रमा। अभी लगातार उत्सव बलसे वृंदावन बिहारी लाल की जय। बल हरे कृष्णा इसको इसको सजाएंगे आरती बाद सभी भक्त लोग इसलिए आरती होते रहे और इसे सजाते बल हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे Thank you.